सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हर कोई मिलता है यहाँ पहन के सच का नकाब, कैसे पहचाने कोई कौन अच्छा है और कौन खराब। यकीन तो सबको झूठ पर ही होता है, सच तो अक्सर साबित करना पड़ता है। अगर आप सभी गलतियों के लिए दरवाजे बंद कर देंगे तो सच बाहर रह जाएगा। घर से भागी हुई बेटियां अपने साथ भगा ले जाती हैं आसपास की बेटियों के सपने और पढ़ने लिखने की आजादी। आज का पंचांग 22 जनवरी 2022 दिन शनिवार, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह 9:14 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व फाल्गुनी नामक नक्षत्र सुबह 10:38 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर फाल्गुनी नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 9:56 से 11:17 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:16 से 12:59 तक रहेगा। आज चंद्रमा सिंह राशि पर शाम 4:48 तक रहेगी। इसके उपरांत कन्या राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। इस समय आप अकेला और दुश्मनों से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा को नजरअंदाज करें और काम पर ध्यान केंद्रित करें। कुछ नए प्रशिक्षण या नया कौशल सीखने से आपकी मदद होगी। आपके करीबी लोग जैसे पार्टनर, पति पत्नी या ग्राहक आपके आकर्षण का केंद्र हैं। आज धन और संपत्ति आपके लिए एक मुद्दा रहेगा। महत्वपूर्ण निवेश और धन संबंधित अन्य मामलों के लिए अभी सही समय नहीं आया है। अपने रिश्तों पर ध्यान दें और समझदारी से पैसों का प्रयोग करें। प्रॉपर्टी खरीद बिक्री संबंधित कोई कार्यवाही चल रही है तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से अपनी आप को सशक्त महसूस करेंगे। संबंधों को मधुर बनाए रखने में आपका विशेष योगदान रहेगा। जिस लक्ष्य को प्राप्त करने की इच्छा है उसे करने में देरी होने से बार बार बेचैनी महसूस होती रहेगी, लेकिन कुछ बातें आपके पक्ष में हो रही हैं तो काम आपके पक्ष में है, उन पर ध्यान देने की कोशिश करें। आपकी इच्छा पूर्ति जल्दी ही होने वाली है। कुछ जिम्मेदारियां मन के विरोध लेनी पड़ सकती है, लेकिन यह भी आपके काम का महत्वपूर्ण अंग है, इसलिए जिम्मेदारी को ठीक से निभाना होगा। किसी व्यक्ति से करीबी महसूस हो सकती है, अपचय या गैस की समस्या भी हो सकती है, ध्यान रखें। सावधानियां, किसी भी वित्तीय परिस्थिति में तनाव लेने की अपेक्षा समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। इस समय किसी भी तरह की आवाजाही करना उचित नहीं है। विद्यार्थी और युवाओं को अपने पढ़ाई और करियर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने रिश्ते को विकसित करने के लिए अपने साथी के साथ क्वालिटी टाइम बिताना बेहद जरूरी है। सामान्य सेहत में आई बाधाएं आपकी लव लाइफ को प्रभावित नहीं कर सकती। कोई बढ़िया सा पकवान बनाकर या अपने कोई रोमांटिक गाना गुनगुनाकर आप जीवन साथी के दिल में जगह बना सकते हैं। आज आपका साथी आपसे आर्थिक के साथ साथ भावुक सुरक्षा भी चाहेगा। अपने वादों को पूरा करने का समय आ गया है। रिश्तों में किया गया थोड़ा थोड़ा निवेश भविष्य में भरपूर लाभ देता है। आज बिना किसी देर के अपनी दिल की बात को जुबा पर ले आए, काम बन जाएगा। बात करते हैं करियर की। आज आप किसी रिश्ते को लेकर उदास या अकेला महसूस कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में अपने कर्तव्यों से मुंह ना मोड़े। अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए आज का दिन अच्छा है और अभी अपनी मेहनत के अच्छे परिणाम मिलेंगे। फालतू के विवादों या बहस से भी दूर रहें। आज वित्तीय सुरक्षा आपकी प्राथमिकता रहेगी। बड़ी कंपनी के अधिकारियों के साथ संपर्क बनाएं और फ्रीलांसिंग से
अतिरिक्त पैसे कमाने की कोशिश करें। ग्राहक भगवान है, धन उनका प्रसाद। आपको यह भी सलाह दी जाती है कि आज जुआ खेलने और अनावश्यक निवेश से बचें। बात करते हैं सेहत की। गले में इन्फेक्शन तथा कफ संबंधी समस्या रहेगी। आयुर्वेद को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। गैस से संबंधित तकलीफ भी बढ़ सकती है। आज का उपाय, आज अब पीपल के पेड़ के समक्ष शाम को घी का दीपक जलाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।